The first ever job you get after completion of your MBBS is house job. That's what I'm currently doing, and I'm regarded as a junior doctor aka house officer in Lahore General Hospital. That's where I'm currently doing my house job. Lahore General Hospital is a government institute, aur sab government graduates government institute mein jab house job karte hain to unko fixed salary milti hai, which is 45,555. On the other hand, jo private graduates hote hain, jab private hospitals mein wo house job karte hain, to in the past unko salary kam milti thi, which is almost 25,000 to 35,000. But recent policies में ये amendment की गई है और ये make sure किया गया है कि private institutes में भी सब house up करने वाले house surgeons, house physicians को government institute के house surgeons, house physician के बराबर pay दी जाए. तो इस वक्त जितने भी private institutes हैं जहाँ पर students house up कर रहे हैं, उनकी pay भी almost 45,555 exact यही है. जो foreign medical graduates हैं FMGs, those are Pakistani national students who go to China or Russia और वो वहाँ जाके अपना MBBS कंप्लीट करते हैं. When they come back to Pakistan, now they have to do house job. और वो house job जब private institute या government institute में करते हैं तो उनको pay नहीं मिलती, इनकी कोई salary नहीं होती, वो unpaid house job करते हैं. Now I have some questions related to house job pay जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग Instagram पे, Facebook पे message करके पूछते हैं. I'm answering all of those questions in this video. First question ये है कि जो government graduates होते हैं वो किसी और hospital में house job करें तो उनको pay मिलती है. सो इट इज़ जनरली के जितने भी गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस अप करें तो उनको फिक्स स्टाइपेंड 45,555 थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स मिलता है. लेकिन अगर वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है वहाँ पर हाउस अप करते हैं तो फिर भी उनको पे मिलती है. ऐसा नहीं होता कि दूसरे हॉस्पिटल में उनको पे नहीं मिलती. हर हॉस्पिटल में अराउंड 5 to 10 एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं जो पेड होती हैं, और वो जब सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं. लाइक एक प्राइवेट ग्रेजुएट है जिसने लेट्स सपोज शालामार, LMDC या इस तरह के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में MBBS किया है, अब वो हाउस जब उन्हीं हॉस्पिटल में करने की बजाय किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करना चाह रहा है तो उसको पे मिलेगी या नहीं. सो इसका यही है कि आंसर जो 10 टू 15 सीट्स हैं उनमें वो देखेंगे कि कितने एप्लीकेंट्स हैं. जो दूसरे गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स आए होंगे वो उनको सबसे पहले प्रेफर करके वो सीट्स दे देंगे. लेट्स सपोज 10 सीट्स हैं तो 3 गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स आए हैं हाउस जब करने के लिए, तो पहली 3 सीट्स वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को मिल जाएंगी, बाकी 7 वैकेंट हैं. तो फिर जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स होंगे उनको फिर वो सीट्स देंगे, और उसके बाद एंड पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो FMG होते हैं उनको वो सीट्स देते हैं. और इसी में ये थर्ड आंसर भी हो रहा है क्वेश्चन का कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको हाउस जॉब पेड मिलती है या नहीं मिलती. सो जनरली पेड हाउस जॉब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती, लेकिन हर हॉस्पिटल में जैसे कि कुछ सीट्स होती हैं अवेलेबल, वैकेंट होती हैं, वो इसी तरह की जो एक्सचेंज वगैरह होती है उसके लिए होती हैं. सो अगर उस एक्सचेंज में गवर्नमेंट ग्रेजुएट, प्राइवेट ग्रेजुएट मिला के भी कुछ सीट्स बच गई हैं तो वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को दे देते हैं. सो जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो आप पेड हाउस अप करना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको हॉस्पिटल्स में जाके, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर पेड हाउस अप की सीट्स हैं या नहीं. अगर पेड सीट हैं तो वो किस डिपार्टमेंट में है, तो फिर आप उन डिपार्टमेंट में हाउस अप करें तो आपको पेड हाउस अप मिलेगी. आई एम करंटली doing house job and I know a lot of private medical graduates and foreign medical graduates जो मेरे hospital में paid house job कर रहे हैं, और इसी तरह सब hospital में वो paid house job करते हैं. It is just a matter कि आपको find out करना होता है, आपको पता लगाना होता है कि कहाँ paid house job available हैं या नहीं, और ये पता लगाना है, it is a really subjective case. तो कोई कोई पता लगाता है, इसीलिए किसी किसी को paid house job मिलती है, किसी को नहीं मिलती. वरना अगर आप generally assume करेंगे कि FMGs और प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स को पेड हाउस जब नहीं मिलती तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी. आपको वो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क होता है, वो रिक्वायर्ड होता है. अगर आप वो कर लें फिर आपको पेड हाउस जब मिल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउस जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करनी चाहिए या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करनी चाहिए. सो जनरली बट आई प्रेफर इसके आपका जो मेडिकल स्कूल है उससे जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है आप उसी में हाउस जब करें. अब अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट में करें, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो प्राइवेट में करें. लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं वही ये क्वेश्चन करते हैं कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जब कर लें या प्राइवेट में ही करें. सो इसका सिंपल आंसर यही है कि देखें, अगर आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जो अटैच है आपके मेडिकल स्कूल के साथ उसमें हाउस जब करेंगे तो आपको पेड मिलेगी, इतना इशू नहीं होगा. आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउस जब करने आएंगे तो आपको पहले ढूंढनी पड़ेगी कि सीट्स हैं या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, आपको मिल रही हैं या नहीं, कभी कभार नहीं भी मिलती आपको. सो ये एक हर्डल आ जाती है. दूसरी हर्डल ये आती है कि जो लोग
पाकिस्तान में FCPS फर्दर करेंगे तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में ये एक पॉलिसी है कि आप अगर अपने अटैच हॉस्पिटल में ही हाउसअप करेंगे तो आपको 5 points मिलेंगे, अगर आप किसी और हॉस्पिटल में करेंगे तो आपको 5 points नहीं मिलेंगे। सो आप वो मेक श्योर कर लें, अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है और आप हाउसअप करना चाह रहे हैं किसी और में तो आपको 5 points उसके कम हो जाएंगे, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। थर्ड थिंग इसके इसका जो प्रो है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे इंटीमीडिएट होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउसअप करें, वो ये होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है पेशेंट्स का और प्राइवेट हॉस्पिटल में उतना एक्सपोजर नहीं होता। यही मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो कंसिडर ही कर रहे होते हैं ऑन द फर्स्ट प्लेस कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउसअप कर लें। सो इट इज़ अ वैलिड पॉइंट कि वाकई ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है पेशेंट्स का एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। बट वट आई फील इसके आप जब हाउसअप करने के बाद फर्दर फ्यूचर लाइफ में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे और फर्दर अपनी ट्रेनिंग परसू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। सो इस वन ईयर में इतना उस एक्सपीरियंस के पीछे जाने का आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। तो बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो इसको प्रेफर करते हैं और फिर वही लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आके हाउसअप कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू थिंक इट इज़ वर्थ इट फॉर यू देन गो फॉर इट। बट आई थिंक अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस लैक कर रहा है तो वो आप फ्यूचर ट्रेनिंग में स्पेशलाइजेशन में रेजिडेंसी में रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हाउसअप पे इनफ। सो ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ लोगों के लिए ये हाउसअप पे इनफ होती है एंड इन माई पर्टिकुलर सिनेरियो तो मुझे गिफ्ट्स के लिए भी अलग से पैसे ऐड करने पड़े थे इन द हाउसअप पे। सो वट आई कैन से इज़ के इट इज़ नॉट इनफ। अगर आप UK से कंपेयर करें तो UK में फाउंडेशन ईयर वन जो कि हाउसअप के पैरेलल है तो आपकी पे £2,200 पर मंथ होती है विच इक्वल्स टू $2,800। पाकिस्तान में $250 पर मंथ और वहाँ पर $2,800 पर मंथ और वो भी आपके 40 टू 50 आवर्स पर वीक होते हैं, यहाँ पर 8,200 आवर्स पर वीक है। सो अगर इस तरह कंपेयर किया जाए तो इट इज़ नॉट इनफ, बल्कि बहुत ज़्यादा कम है। सो मेरी भी ऑलमोस्ट हाफ पे तो बेसिकली हॉस्पिटल जाने में आने में पेट्रोल में ही लग जाती है और जो बाकी पैसे होते हैं वो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसमें चले जाते हैं, तो सेविंग इसमें तो बिल्कुल नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हाउसों में वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। सो हाउसों में वर्किंग आवर्स हर रोटेशन में वेरी करते हैं। जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे कि अगर सर्जरी में आपका वार्ड वीक लग गया तो आप पूरे वीक के लिए हॉस्पिटल में ही रहेंगे ऑन योर ड्यूटी। अब एक वीक में 168 आवर्स होते हैं तो इट्स लाइक आप 168 आवर्स स्ट्रेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। पूरी दुनिया में UK USA में 40 आवर्स पर वीक होता है और यहाँ पर स्ट्रेट ही 40 आवर्स एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। जब आपकी इमरजेंसी लगती है और 2 दिन आपने जब हॉस्पिटल गुजारने होते हैं तो आप एक ही रो में 40 आवर्स ऐसे ड्यूटी कर रहे होते हैं। सो वर्किंग आवर्स वाकई ही ज़्यादा हैं, इट इज़ ऑब्वियस टू एवरीवन। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन जो रोटेशंस होती हैं लाइक डर्माटोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी, तो ये इजी रोटेशंस कंसीडर की जाती हैं, इनमें इमरजेंसी भी नहीं होती, आपने डेली 8 to 2 आना होता है लाइक 6 or 7 hours, तो इसमें ना वर्क आवर कम होते हैं लाइक 40-50 इसके अराउंड होते हैं। लेकिन ये रोटेशंस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, हर हॉस्पिटल में 1 या 2 रोटेशंस होती हैं इसकी और वो काफ़ी सिलेक्टिव लोगों को ही मिलती हैं, सब हर कोई वो रोटेशंस अवेल नहीं कर सकता। लेकिन मेडिसिन और सर्जरी तो सब नहीं करनी होती है, तो जनरली जो कहा जाता है वो ये कि 8,200 आवर्स पर वीक बन जाते हैं। लेकिन जो बहुत ईजी रोटेशंस होती हैं डर्मा, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, इनमें वर्किंग आवर्स कम होते हैं, अराउंड 50 to 60 आवर्स इनमें बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउसअप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्थ इट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। सो वट आई कैन से फ्रॉम माई ओन परस्पेक्टिव एंड माई पर्सनल ओपिनियन के अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएट हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप हाउसअप कर लें तो अगर आपको वहाँ पर पेड हाउसअप मिलती है, जैसे कि सीट्स होती हैं अवेलेबल उसमें से आपको सीट मिल जाती है तो फिर आप कर लें, फिर इट इज़ वर्थ इट। लेकिन अगर आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में पेड हाउसअप छोड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अनपेड हाउसअप करेंगे तो इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट वर्थ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आपकी हाउसअप की पे में कोई टैक्स लगता है या इसमें से कोई कटिंग होती है या ये कंप्लीट अमाउंट आपको मिलती है। सो ये 45,555 ये कंप्लीट अमाउंट आपको मिलती है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, ये फिक्स सैलरी होती है। आपकी बस एक 5,000 की सिक्योरिटी पे करती है इन योर हाउसअप, लेकिन वो भी हाउसअप जब एंड होती है उसमें आपको 5,000 रिटर्न कर देते हैं। आई डोंट नो इसका पर्पज़ क्या है, लेकिन ये कोई सिक्योरिटी फी होती है, ये कटती है और फिर आपको दोबारा वापस मिल जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इसके जो मेडिकल स्टूडेंट्स USMLE की तैयारी कर रहे हैं उनको हाउसअप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो जो स्टूडेंट्स USMLE जाकर ट्रेनिंग और रेजिडेंसी करना चाहते हैं जहाँ पर हाउसअप रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने ECFMG से सर्टिफाइड होना है, रजिस्टर्ड होना है और उसके 6 पाथवेज हैं, जिसमें से पाथवे 2 ये है कि आप अपनी होम कंट्री में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हों, आप
लाइसेंस आपको वहाँ का मिला हो, और पाकिस्तान में लाइसेंस लेने के लिए आपको हाउस जब करनी पड़ती है। सो एक पाथवे तो ये है कि आप अगर हाउस जब कर लें तो आप पाथवे 2 से ECFMG सर्टिफाइड हो जाएंगे, लेकिन पाथवे 6 भी है या पाथवे 1 है कि अगर आपने स्टेप 1 स्टेप 2 किया हुआ है और OET पास किया हुआ है तो आप भी ECFMG से सर्टिफाइड हो सकते हैं, आपको हाउस जॉब उसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो इट इज़ अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन लेना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं लेना चाहते। इसका कोई ऑन पेपर फ़ायदा नहीं है आपकी ऑन मैच एप्लीकेशन में। आपको इंटरव्यू में हेल्प आउट ज़रूर कर सकता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल कि आपका पाकिस्तान अपनी होम कंट्री में क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा था, लेकिन ऑन पेपर आपकी मैच एप्लीकेशन को एज सच वो इफेक्ट नहीं कर रहे होते, ओनली इट इज़ अफेक्टिंग योर इंटरव्यू। सो इट इज़ अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हाउस जॉब करके USA जाते हैं, कुछ होते हैं जो हाउस जॉब स्किप कर देते हैं और ऐसे चले जाते हैं। सो दोनों कंडीशंस ही ठीक हैं, दोनों लोग ही राइट हैं जो कर रहे हैं। इट इज़ अप टू योर पर्सनल चॉइस। अगर मेरा ये सिनेरियो होता कि मैंने USA जाना होता तो मुझसे कोई पूछा कि आप हाउस जॉब करके जाएंगे या हाउस जॉब के बगैर जाएंगे, तो मैं यही आंसर करता, नाउ आई एम इन हाउस जॉब, कि मैं हाउस जॉब करके जाता क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, अ लॉट ऑफ क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और ये 1 year ऑफ हाउस जॉब, ऑल्दो इट इज़ अ टॉर्चर, बट इट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, फिजिकली आपकी नर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एंड यू ग्रो एज अ पर्सन, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो ये 1 year सिर्फ इतना ज़्यादा वर्कलोड का टॉर्चर नहीं है, यू ग्रो एज अ पर्सन वैन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल वैन यू कम्प्लीट योर हाउस जॉब। सो इन माई ओपिनियन इट इज़ वर्थ इट, और मैं अगर होता इस सिनेरियो में तो मैं ऑब्वियसली हाउस जॉब करके जाता। 1 साल मेरी ट्रेनिंग हो सकता है, 1-2 साल ट्रेनिंग डिले हो जाती, बट दिस 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इज़ समथिंग यू विल नेवर गेट एनीवेयर, क्योंकि हर कंट्री का एक डिफरेंट सेटअप होता है, एक डिफरेंट सिस्टम होता है, डिफरेंट किस्म के पेशेंट होते हैं, एक निज़ाम ही डिफरेंट होता है। आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग करें, इसका एक डिफरेंट सिस्टम है, UK में डिफरेंट सिस्टम है, USA में बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है। सो अगर आपके पास 2 countries में आपने काम किया और आपको पता है कि दोनों का सिस्टम कितना डिफरेंट है, सो इट हेल्प्स यू ग्रो एज अ पर्सन। एंड बाई सेइंग दिस, दैट प्रीटी मच रैप अप दिस वीडियो। होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ़ यू डिड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।